एल्गी, ठीक है ना। तो एल्गी के बारे में आज हम क्या पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से वर्णक होते हैं, ठीक है ना। वर्णक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिगमेंट, ठीक है ना। पिगमेंट यानी कि हरा है, लाल है, कैसे है, क्योंकि कलर्स के बेसिस पर ही क्या होता है, एल्गी की क्लास भी डिस्कवर कई बार कलर को भी दिया जाता है, हम याद रखते हैं उस हिसाब से। जैसे रोडोफाइसी लाल शैवाल, क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, युग्लिनोफाइसी हल्के हरे, पियोफाइसी भूरे शैवाल, है ना। इस तरीके से हम याद रख लेते हैं। तो कौन कौन से वर्णक होते हैं, किस वर्णक की वजह से उनमें कौन सा रंग आएगा, है ना, वो पढ़ेंगे आज, ठीक है भाई। ठीक है, नमस्ते विकेश, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से वर्णक कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या पाया जाएगा, देखो भाई, तीन तरीके से पाए जाते हैं वर्णक जो मुख्य रूप, सबसे पहला कौन सा आ गया, क्लोरोफिल, फिर क्लोरोफिल के टाइप्स पढ़ोगे आप, क्लोरोफिल ए बी सी, ठीक है, ऐसे डी से जेड तक नहीं करते जाना है, ठीक ना। इसके बाद आगे क्या आता है, वैसे होता है क्लोरोफिल डी और ई भी होता है, ठीक है, जो इनमें मिलता है। दूसरा आता है कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स का मतलब है जनरली इसमें फिर और भी कुछ ऐसे पिगमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग, है ना, सबको गुड मॉर्निंग एक साथ बोल देती हूँ मैं, ठीक है, प्रहलाद सिंह, ठीक। तो आगे क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल के बाद कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स में क्या क्या होगा, कैरोटीन और जेंथोफिल, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। उसके बाद आगे आता है फाइकोबिलिन, फाइकोबिलिन को बाइलो प्रोटीन भी कहते हैं, फाइकोबिलिन या इसको बाइलो प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बात करते हैं क्लोरोफिल कौन कौन से होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये तीन तरीके के पाए जाएंगे, फिर इसमें आ जाएगा फाइकोबिलिन में फाइको इरिथ्रिन एंड फाइको साइलिन, फाइको इरिथ्रिन किस में मिलेगा, रोडोफाइसी में मिलेगा ना, लाल होगा, जहां इरिथ्रिन शब्द आ जाता है वहां लाल आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रोडोफाइसी, और फाइकोसाइनिन में क्या आ जाएगा, साइनोफाइसी, नील हरित शैवाल इनमें मिलता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड एंड दिस इज फॉर ब्लू, जनरली फॉर ब्लू, बट ग्रीन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अच्छा, एक बात और याद रखना, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन, ये केवल फाइको वर्ड इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये केवल फाइको में ही मिलेंगे, फाइको मतलब एल्गी, ये कभी किसी दूसरे पौधे में नहीं मिलेंगे, समझ आ गई बात। जैसे रोज आपने पढ़े होंगे, रेड रोज, येलो रोज, व्हाइट रोज देखे होंगे, है ना, ग्रीन रोज, ब्लैक रोज और पिंक रोज, और कौन से देखे, ब्लू रोज देखा है, नहीं, ब्लू रोज होता भी नहीं है, ब्लू रोज नेचर में कभी नहीं होता है, उसको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू लेकिन बनाया गया है, ठीक है ना। ले तो ये जो है इरिथ्रिन साइनिन वगैरह, ये सब किस में मिलेंगे, केवल और केवल शैवालों में मिलेंगे, लेकिन क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स ये सब में मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल कौन कौन से में कैसे मिलेगा, है ना, जनरली ए बी सी, ये तो लगभग
सभी शैवालों में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ए बी सी, किस किस में मिलेगा ये, इनकी कॉमन क्लास लिख देती हूँ मैं, है ना, तीनों जो है किस किस में मिलेंगे। क्लोरोफिल ए जो है वो क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, ठीक है। तो देखो इसको, इसमें स्पेस कम है, इधर लिख देती हूँ इसको, है ना। क्लोरोफाइसी हो गया, उसके बाद जेंथोफाइसी हो गया, इसके अलावा यूग्लिनोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी, इसके अलावा क्राइसोफाइसी, ठीक है। फिर आगे बात करें हम कि इसके अंदर, देखो भाई ऐसा करते हैं, अभी तो पहले वर्णकों के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद इनकी अलग से वो लिखवा दूंगी मैं तुम्हें एक टेबल की, कौन सी, क्योंकि एक में ये आ नहीं पाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। एक तरफ हम लिख लेंगे क्लासेस और दूसरी तरफ फिर उसमें लिखते चले जाएंगे क्लोरोफिल ए बी सी इस तरीके से, ठीक है ना, वो शॉर्ट मेथड रहेगा। तो बी है वो अधिकतर, ऐसे लिख लो तुम, अधिकतर में मिलता है। क्लोरोफिल सी जो है वो ज्यादातर किस में मिलेगा, क्लोरोफिल सी क्राइसोफाइसी, स्पेशल क्वालिटी है उसकी, है ना। जेंथोफाइसी में क्लोरोफिल ई मिलता है। तो इस तरीके से है, ए बी सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई, ई ज्यादातर ये स्पेशल है, ये जेंथोफाइसी में ही मिलेगा, जैंथो लिखा है, हाँ जैंथोफाइसी। क्लोरोफाइसी सी जो है, क्लोरोफिल सी जो है वो कहाँ कहाँ मिलेगा, क्राइसोफाइसी में मिलेगा और फियोफाइसी में और बेसिलेरियोफाइसी। फियोफाइसी और इसके अलावा ये किसमें मिलेगा, क्राइसोफाइस। ठीक है, फियोफाइसी क्राइसोफाइसी, इसके अलावा मिलेगा बेसिलेरियोफाइसी। डी जो है वो अकेला रोडोफाइसी में मिलता है और किसी में नहीं मिलता। वैसे अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब में हो गया, इसमें यहाँ लिख दो ऑल, लगभग ये सब में मिलेगा, अधिकतर, ऑल के बजाय अधिकतर ज्यादा बेटर है, क्योंकि रोडोफाइसी में यही मिलता है ना, वो नहीं मिलता, तो अधिकतर। ठीक है, आगे बात करेंगे कैरोटीन कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो कैरोटीनॉइड्स के टाइप्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा, सी कैरोटीन, ई कैरोटीन। कैरोटीन वर्ड कहाँ से है मालूम है हम लोग को, डॉकस करोटा में से निकाला गया था। डॉकस करोटा क्या होता है, गाजर, ठीक है, तो गाजर में से निकाला गया। तो जनरली कौन सा कलर देगा, गाजर कैसी होती है, लाल, हलवा खा के आए हो सब, है ना, तो ये भी लाल हो जाती है। ठीक है, तो अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, सी कैरोटीन, ठीक है, इनके नाम हो जाते हैं। और इसके अलावा ई कैरोटीन और एक और होता है फ्लेविसिन, ई कैरोटीन और फिर फ्लेविसिन। ये इसके टाइप्स हो गए। जेंथोफिल जो होता है वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
इसमें कुछ टाइप्स हो जाते हैं इसके, जियोजेंथिन, ल्यूटिन, वायोलाजेंथिन, मिक्सोजेंथिन, है ना, नियोजेंथिन, ऐसे टाइप्स हैं इसके। तो इसमें लिखवा देती हूँ आपको कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। वायोला जेंथिन, नियोजेंथिन, है ना, जिया जेंथिन, ल्यूटिन, साइफोनोजेंथिन, डाइटोजेंथिन। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होगा, मिक्सोजेंथिन और फ्यूकोजेंथिन। मिक्सोजेंथिन एंड फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। आप लोग एक बार इनको लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये देखो ज्यादातर ये जो जेंथिन के टाइप्स है ना, ये किसके बेसिस पर किए गए हैं, ये ज्यादातर उनके कौन सी क्लास में मिल रहे हैं, क्लास मतलब वर्ग, कौन से वर्ग में मिल रहे हैं। जैसे साइफोनोजेंथिन है तो ये किस में मिलेगा, साइनोफाइसी में, है ना। जिया जेंथिन ये क्राइसोफाइसी में मिलेगा, ठीक है ना। ल्यूटिन ये ज्यादातर रोडोफाइसी में मिलता है। मिक्सोजेंथिन ये रोडोफाइसी है। फ्यूकोजेंथिन ये भी ज्यादातर फ्यूको वगैरह उसमें, मतलब जैसे जैसे उनकी क्लासेस है उसके हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा गामा सी ये सब क्या है, कैरोटीन के टाइप्स हो गए, ठीक है ना। ज्यादातर अल्फा कैरोटीन क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी में मिलता है। सी और ई जो है सी क्लोरोफाइसी में मिलेगा, ठीक है। देखो बाकी तो सब लगभग सब में मिलते हैं, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं लिखवा देती हूँ कि कैरोटीन नीले या हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। देखो भाई तुम बोलोगे दिखते तो लाल हैं, कैसे हैं कैरोटीन, फिर कह रहे हैं कि अवशोषण करते हैं नीले और हरे रंग का। देखो भाई कलर कैसे आता है, लाइट डाली, लाइट में 7 कलर्स होते हैं। प्रिज्म का प्रैक्टिकल पढ़ चुके हो आप लोग, पढ़ चुके हो ना, विवग्योर, बेनिया, पिनाला, याद आ गया, अब याद आया, लगते इसको थोड़ी देर बाद। ये प्रिज्म है, लाइट डाली तो ये 7 कलर्स में डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जो कलर इसमें एक्सेप्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, वो तो दिखाई देगा नहीं, है ना। जो कलर इस सतह से आकर वापस लौट गया वही तो हमारी आंख में दिखाई देगा हमको। बोलो भाई, ऐसे समझो तुम लोग इसको, हमने एक बॉल उठाई और बॉल इस दीवार पे मारी, ठीक है, या इस बोर्ड पे मारी, है ना, ऑनलाइन वालों को दिक्कत हो जाती है, बोर्ड पे मारी। अब अगर वो बोर्ड में के अंदर ही चली गई, मान लो कभी ऐसे पहले आते थे ना मैजिकल, वो बाल वीर वगैरह क्या क्या चलते हैं बच्चों के छोटे, है ना, हाँ ऐसे नाटक वाटक चलते, उनमें होता है कई बार ऐसा कि तुमने भेजी वो और क्या चली गई, वो अंदर चली गई, मतलब उसने अवशोषित कर ली, है ना। तो तुम्हें वो दिखाई देगी, नहीं देगी, सीधी सी बात है, तुमने सुजान गंगा में बॉल फेंकी, है ना, वापस आएगी कभी, नहीं आएगी, उसमें इंसान नहीं आता, वो क्या आएगी बेचारी, है ना। तो आपने कोई बॉल उठाई फेंकी, वो चली गई, यानी उस सतह ने क्या कर लिया, उसका अवशोषण कर लिया, तो वो अब आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन आपने दीवार पे मारी, है ना, मान लो इस पे मारी और अभी ये वापस आ गई, तो आपको वो दिखेगी ना। सेम कंडीशन कलर्स का होता है, कलर्स सब पर आते हैं, हर सतह पर कलर गिर रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो श्वेत, श्वेत का मतलब होता है कोई कलर नहीं,
एब्सेंस ऑफ द ऑल कलर्स इज कॉल्ड व्हाइट कलर अकॉर्डिंग टू द साइंस. व्हाइट इज नॉट अ कलर. सफेद रंग कोई रंग नहीं होता. जहाँ सारे कलर नहीं है वही क्या हो जाएंगे? सफेद. ठीक है, तो हुआ क्या कि आपने इस सतह पर ये हरा क्यों दिखाई दे रहा है? यहाँ पे सारी लाइट सारी होंगी, सबको अवशोषित कर रहा है, केवल हरे रंग को नहीं कर पा रहा है, उसको ये वापस भेज रहा है, इसीलिए हमें दिखाई दे रहा है. समझ आ गई बात? है ना, कोई भी चीज़ है, अब जैसे बैग, ये लाल क्यों दिखाई दे रहा है? सारी लाइट सारी हैं, बस एक लाल वाली को अपने अंदर समा नहीं पा रहा है, बाकी सबको समा करके बैठा हुआ है. ठीक है, तो ये लाल रंग जो बाहर आया वो हमें दिखाई दिया, तो जो रंग जैसा है वो इस तरीके से दिखाई देता है. समझ आ गई बात? लेकिन काले रंग का मतलब क्या है? उसने सारे रंगों को अपने अंदर रख लिया, बस वो सरफेस जिसने क्या किया, सारे ही रंगों को अवशोषित कर दिया. जैसे किसी के बाल काले हैं, इसका मतलब क्या है? लाइट के सारे कलर्स उसने इकट्ठे कर लिए, इसलिए वो काले दिखाई दे रहे हैं. और किसी के बाल सफेद हो गए, इसका मतलब क्या है? उसने सारे रंगों को परावर्तित कर दिया. ठीक है ना भाई, सीधी बात है. सफेद तब दिखाई देगा जब सारे कलर वहां से परावर्तित हो गए. काला तब दिखाई देगा, जैसे एक गेम खेला होगा ना आपने कभी, एक मतलब एक छोटी सी एक्टिविटी भी है बच्चों के लिए, होती है वो कि एक गोल ऐसे एक चक्ती बनानी है कागज की, और उसमें 7 कलर्स बना देने हैं, या 7 कलर्स के कागज लगा दो आप, उसके बाद उसे घुमाओ, ऐसे सारी बिल्कुल सफेद दिखाई देगी. उल्टा घुमाओ, फिर धीरे 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 सारे कलर्स दिखेंगे, फिर थोड़ी बाद वो व्हाइट दिखाई दे जाएगी. किया ही नहीं तुमने कुछ ऐसा, ऐसी आगे तुम सुन लो. होता है ये प्रैक्टिकल है, 9th क्लास के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल होता है ये. ठीक है, कि एक एक से एक गत्ता होता है ना, ऐसे गत्ते की एक गोला बनाना है, एक व्रत बनाना, छोटी सी चक्ती बनानी है, उसमें 7 कलर से उसको पेंट कर देना है, उसके बाद उसको उसके बीच में होल करना है, और फिर उसको जैसे फिरकनी घुमाते हैं ना, ऐसे घुमाना है ऐसे. जब वो घूमेगी तो क्या होगा, सारे कलर्स वाइट दिखेगी नहीं, उसमें एक भी कलर नहीं दिखेगा. क्यों? उससे पता चल रहा है कि सनलाइट जो आ रही है वो सारी की सारी लाइट्स को क्या कर रही है, वहां से रिपेल कर रही है. क्यों? क्योंकि आपने तो पहले ही वहां पे, अब देखो भाई, लाल रंग लाल को तो अब्सॉर्ब करेगा नहीं, लाल रंग वापस आ रहा है, तो बैनी यहाँ पीनाला में से लाल वाला वापस आ गया, बैंगनी भी आ गया, हरा भी आ गया, वो सारे के सारे रंग उसने क्या कर दिया, आपको वापस कर दिए. तो वापस जब सतह से सारे रंग हो जाते हैं तो उस रंग को क्या कहते हैं? सफेद रंग. ठीक ऐसे ही कंडीशन है यहाँ पे. ये कैरोटिन की वजह, कैरोटिन क्या करता है, लाल और वो सॉरी हरे और नीले रंग को क्या कर लेता है, अवशोषित. तो लाल और नीला रंग तो इसके अंदर चला गया, वो तो दिखेगा नहीं, तो कौन सा रंग ये वापस करता है? लाल, वो दिखाई देता है. इसीलिए गाजर कैसा होता है? लाल. अब समझ आई बात? ऐसे लाल होता है कोई रंग. ठीक, तो इस तरीके से इसमें क्या होंगे, ये क्या है, वर्णक है, है ना, लिख लीजिए आप लोग एक बार जल्दी जल्दी. ठीक है, अब इनके फॉर्मूला और बता देती हूँ, है ना, कैरोटीन वगैरह की क्या क्या होते हैं इसमें. ई जो है ना, वो ई ज्यादातर ये रोडोफाइसी में और फियोफाइसी में मिलेगा. देखो भाई एक बात याद रखना, जो हायर प्लांट्स जैसे दिखते हैं उनमें ज्यादातर अच्छी चीजें होती हैं. ये जो एक्स्ट्रा दिखे ना तुम्हें, ये सी है, ई है, ये इधर सी डी ई है, ये सब ज्यादातर किसमें मिलेंगे? शैवालों, फाइगोरिथ्रिन फाइकोसाइनिन के जैसे. इसमें रोडोफाइसी और साइनोफाइसी, एक तरीके से समझ लो जो रंग समझ में नहीं आता कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? रोडोफाइसी. शैवाल में तो है ही सारे. ठीक है ना, तो आगे इनके केमिकल फॉर्मूलाज है. ठीक है, क्लोरोफिल ए का क्या है, बी का क्या है, इनको आप लोग याद करके आओगे. अच्छा, एक होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को कल, वो यही सॉल्व हो गया था. क्या होमवर्क दिया था? एससीपी. क्या होता है एससीपी? सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिकीय प्रोटीन, एक अकेली कोशिका प्रोटीन देती है. ठीक है, एक शैवाल होता है उसका नाम क्या है? स्पाइरुलिना. वो स्पाइरुलिना मिलता है कहाँ? जहाँ पे गंदा पानी बह रहा होता है. गंदे का मतलब जैसे, नहीं नाली का पानी नहीं, इतना भी गंदा नहीं, जैसे ज्यादातर डेयरी के आसपास होता है ना,
तो ऐसा कई बार आपको पता है जयपुर में एक सरस पार्लर की जो मेन ब्रांच है वहां पे क्या था, उनका वो पानी वानी बहता रहता था तो वहां पे खूब सारा एल्गी हो गया, उन्हें पता नहीं था। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स ने ये कहा कि भाई ये तो स्पाइरुलिना है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट चीज है, इसकी तो एक चम्मच खाओगे तो इतना प्रोटीन देगी जितना हर पूरे महीने 250 ग्राम दूध पियोगे गाय का, तब जितनी प्रोटीन मिलेगी वो तो एक चम्मच से मिलेगी। तो उन्हें पता ही नहीं था कि इतना इम्पोर्टेंट है। तो फिर लेबोरेटरी वालों ने कहा कि ठीक है भाई इसे आप हमारे यहाँ भेजिए, हम इसको प्योरीफाइड करके आपको देते हैं। तो लैब से जब प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में वो स्पाइरुलिना सप्लाई होने लगा तो उसकी डिमांड बढ़ने लगी, और डेयरी वालों को पता चला कि एक बाय प्रोडक्ट में और इतनी सेलिंग तो दूध से नहीं हो रही होगी जितनी स्पाइरुलिना से, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाँ तो ऐसे हो जाते हैं। तो आगे बात करते हैं क्लोरोफिल ए बी और उसके बाद कैरोटीन का फॉर्मूला या जेंथोफिल का। हाँ, ठीक है इसका कैरोटीन का, ठीक है ना। होता क्या है इसमें, C55 कितना होगा, C75 होता है इसमें, C55 H72O5N4Mg। लिखो इसको क्या हुआ, याद नहीं हो रहा। ठीक है, O5N4Mg, O5N4Mg, ये हो गया क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला, ये याद रख लेना आप लोग। ये CHL पता है ना क्या है, क्लोरोफिल को शॉर्ट में लिख दिया। बी का ये दिखाई तो दे रहा है ना भाई ऑनलाइन वालों को, हाँ दिख तो रहा है। याद करके आना इसको आप लोग, ठीक है। देखो फिर इसके बाद एक आगे की ट्रिक बताऊंगी, क्वेश्चन होगी। हाँ 12th में था विनय कुमार जी, ये सही बात है। ठीक है तो पढ़ना तो यही पड़ेगा ना, लेकिन थोड़ा सा क्या ज्यादा। ठीक है, C55 H72O5N4Mg, ये तो है क्लोरोफिल ए का, और C55 H70O6N4Mg क्या है, क्लोरोफिल बी का। ठीक है, अच्छा एक बात और क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, क्लोरोफिल ए और बी में से एक बात बताओ, इसमें हाइड्रोजन क्या है ज्यादा और एक ऑक्सीजन कम है, और इधर क्या है, हाइड्रोजन कम है और ऑक्सीजन एक ज्यादा है। इसका मतलब इसके अंदर इस तरीके से होगा CHO, एल्डिहाइड ग्रुप होगा इसमें, समझ आई बात। एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ से आया, एल्डिहाइड से। ठीक है, यही अंतर होता है उसमें। ठीक तो मिटा दो इसको, बाकी का आप लोग ऐसा करना या तो नोट्स ले लेना, है ना, इधर से। नोट्स तो हैं आप लोगों के पास पीडीएफ में, देखो भाई बात ऐसी है, आप लोग क्या सोच रहे हो ना कि हमें तो आगे बात करते हैं ना। अच्छा आप लोग एक बार रिज्वाइन कर लीजिए।